मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शनिवार को सागर जिले की खुरई विधानसभा पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा लगाए आरोपों का पलटवार करते हुए मैदान में आकर लड़ने की चुनौती दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि यदि खुरई से कोई उम्मीदवार नहीं मिला तो मैं खुद उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह करीब 1.5 घंटे तक खुरई में रुके रहे। दरअसल दिग्विजय सिंह खुरई विधानसभा में प्रताड़ित कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए पहुंचे थे। यहां वे सबसे पहले राकेश दुबे गमीरिया के घर गए। राकेश दुबे पिछले साल हुए सेल्फी कांड में 78 दिनों तक जेल में रहे हैं। करीब 15 मिनट तक हुई मुलाकात में राकेश दुबे ने दिग्विजय सिंह को अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि किस तरह से खुरई में कांग्रेस के कार्यकर्ता परेशान हैं। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने मंत्री भूपेंद्र सिंह की ओर से 2 दिन पहले लगाए आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे 10 साल के मुख्यमंत्री काल के दौरान मैंने क्या भूपेंद्र सिंह के लिए कोई एक भी परेशानी होने दी है? अगर हुई हो तो वह इसका जवाब दे, लेकिन यह क्या तरीका है? दादागिरी, गुंडागिरी और झूठे प्रकरण बना रहे हैं, यह ठीक नहीं है। अगर लड़ाई लड़ना है तो मैदान में आओ, निर्दोष लोगों को क्यों बंद करते हो? आओ लड़ो, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ में। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि खुरई के SDOP और SDM भूपेंद्र सिंह के नौकर की तरह काम करते हैं। हम लोग इसके प्रमाण इकट्ठा कर रहे हैं, हम भी देखते हैं कि नौकरी कैसे करते हैं। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि अरुणोदय चौबे गलत कहते हैं, मैंने और कमलनाथ ने उनका हर समय सहयोग किया, लेकिन वे डर गए। जब दिग्विजय सिंह से मीडिया ने पूछा कि अब खुरई में कांग्रेस नेता नहीं बचा, भाजपा के खिलाफ कौन चुनाव लड़ेगा, उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास कोई कमी है क्या? अगर कोई नहीं लड़ेगा तो मैं खुद लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह खुरई के मालथौन में महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष रक्षा राजपूत के घर भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों मंत्रियों ने जो अत्याचार और अन्याय किया है उसके लिए मैं सुर्खी और खुरई विधानसभा में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा को करेंगे। गौरतलब है कि रक्षा राजपूत उनकी मां नगर परिषद मालथौन के चुनाव में पार्षद पद के लिए खड़ी हुई थी। इन पर धारा 420 का मामला दर्ज किया गया था। रक्षा राजपूत ने अपनी पूरी व्यथा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बताई। दिग्विजय सिंह सबसे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता राकेश दुबे के घर पहुंचे, जहां उन्होंने विस्तार से चर्चा की। इसके बाद अम्बेडकर चौराहे पर पहुंचकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। माल्यार्पण के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह नथन सिंह राजपूत के घर पहुंचे। यहां उन्होंने बंद कमरे में चर्चा की। कोई कमी है क्या हमारे पास? कोई नहीं होगा तो मैं लड़ूंगा। झूठे केस बनाए जा रहे हैं, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है। यहां के SDOP खुरई और SDM खुरई भूपेंद्र सिंह के नौकर की तरह काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ हम लोग प्रमाण इकट्ठे कर रहे हैं और मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखूंगा कि नौकरी आप कैसे करते हैं।